कुर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम हाजिर हैं मुद्दे की बात लेकर के। मुद्दे की बात तीसरे चरण, चौथे चरण में तेजस्वी की अग्नि परीक्षा, 5 में 3 सीटों पर MY या लवकुश, लालू के प्लान को अमित शाह ने किया डिकोड। अब आप समझ रहे हो जो किस तरह की ये डिकोडिंग है। हम बाबा से ही समझना चाहेंगे जो वो जो चौथे चरण का जो 5 सीट है, सो आखिर किस तरह से अमित शाह ने लालू के MY या लवकुश को डिकोड कर दिया है। बाबा आप ही से समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहले दरभंगा से। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर हैं और RJD BJP से, और RJD से ललित यादव है जी। तो यहाँ पे इस तरह से कहें जो यादव और ब्राह्मणों के बीच है, वैसे है ब्राह्मण बहुल क्षेत्र दरभंगा जी, जी, लेकिन मुस्लिम भी है क्योंकि फातमी भी वहाँ से MP रहे हैं जी। तो वैसी स्थिति में पिछले कई बार से ब्राह्मण ही वहाँ पे वर्चस्व रहा है। कीर्ति आज़ाद हों, गोपाल जी ठाकुर का ये दूसरा टर्म है, तो ऐसे करके वहाँ पे तो किस तरह से अमित शाह ने इस सारे समीकरणों को डिकोड किया है या ध्वस्त किया है। देखिए, इस विश्लेषण को भी शुरू करने से पहले मेरी 2016 की लिखी हुई एक और पंक्ति है जिसका मैं कोट करना चाहूँगा कि तर्कस में जितने भी तीर हैं आजमा के देखिए, तर्कस में जितने भी तीर हैं आजमा के देखिए, है तरकीब तो खुद चुनी हुई सरकार हटा के देखिए। अगर है तरकीब कोई तो खुद की चुनी हुई सरकार हटा के देखिए। कहते हैं विजय कि लोकतंत्र बड़ा है हमारे देश का, कहते हैं कि लोकतंत्र बड़ा है हमारे देश का, तंत्र में छटपटा रहे लोग। जरा पर्दा हटा के देखिए। देखिए, पॉलिटिक्स की बात जब भी करते हैं ना हम, तो सीधे आपके सामने कुछ चेहरे नज़र आते हैं, कुछ चेहरे ऐसे नज़र आते हैं जिसकी चर्चा कल भी हम लोग कर रहे थे, कुछ चेहरे ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया, पाया कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम मिला। नाम मिला, गांधी जी आज़ाद कराए इस देश को, सिर्फ एक नाम मिला, बापू। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, उनको एक नाम मिला, लोकनायक कहलाए, लोकनायक। इसके बाद लोहिया जी की बात कर लीजिए, और लोगों की बात करिए, अन्ना हजारे की बात कर लीजिए, सबकी बात आप कर लीजिए, ये लोग सत्ता के शीर्ष पे नहीं रहे, कभी सत्ता इनके नज़दीक तक नहीं पहुंची और न ये सत्ता के नज़दीक पहुंचने का कभी प्रयास भी किए, लेकिन इनके चेला चपाटा जो है ना वो सत्ता के लिए सब कुछ किए। वो पहले से तय कर चुके थे कि हमको करना क्या है और इसीलिए उस आंदोलन का हिस्सा थे। खैर, अब इसके आगे बढ़िए। तो बिहार में आप जब भी आइएगा तो 4-5 चेहरे नजर आएंगे। एक दुखद घटना है कि सुशील मोदी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले तक सुशील मोदी का तुती बोलता था बिहार में। भाजपा का नाम लीजिए तो सुशील मोदी के नाम के बिना भाजपा का नाम पहले आता था, BJP पहले आता था, पहले सुशील मोदी आता था। जैसे लालू का नाम पहले आता है, उसके बाद RJD आता है, JDU का नाम बाद में आता है, पहले नीतीश आता है। JDU लिखना हो तो नीतीश लिख दीजिए, JDU हो गया। ये पूरी कहानी जो है ना, इन लोगों ने अपने और इर्द गिर्द जो है ये पूरा दायरा फैला के रखा, और चुनाव जब भी आता है ना तो इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमते रहता है। मेन मुद्दे गौन हो जाते हैं, लालू को हराना है, नीतीश को हराना है, मोदी को हटाना है, मोदी को बैठाना है, इसके सिवाय आपके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत मुद्दा जो है वो गौन हो जाता गौन है। लेकिन अब इन सारी प्रक्रियाओं में जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में बहुत कुछ फाइनल होना है, फैसला होना है, क्योंकि 65-70 साल की कांग्रेस सरकार को पदच्युत करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 14 में, बहुत सारा वादा किए थे। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी की सरकार थी, उस सरकार में भी लोगों ने बहुत सारी अपेक्षाएँ पाल रखी थी। इस सरकार के आने के साथ साथ लोगों को लग रहा था कि जो 65 साल में हमको नहीं मिला वो 10 साल में या 5 साल में मिल जाएगा, लेकिन इस अपेक्षा पर भी लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चलिए आप दावा कर रहे हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने 5 किलो अनाज दिया, लोग स्वीकार भी करते हैं 5 किलो अनाज दिए, लेकिन जो अनाज पैदा करने वाला है किसान, जिससे अनाज लेकर के आप दे रहे हैं, उसको क्या दिया आपने। कल ही एक हमारे यहाँ पब्लिक से ओपिनियन चल रहा था, उसमें एक किसान ने कहा कि कुआं से पानी निकाल करके हम खेत सींच करके आपको सब्जी उगा करके देते हैं, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है।
कि आप सब्जी खाते हैं, ठीक है चलिए मानते हैं 50 रुपये किलो आप कोई सब्जी खरीद लेते हैं, लेकिन उस 50 रुपये की सब्जी को उगाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, किस कष्ट से गुजर रहे हैं ये आप नहीं समझ सकते हैं। हमको पानी की सुविधा चाहिए, हमको बिजली की सुविधा चाहिए, सब जगह बल्ब जलता है लेकिन हमारे खेत में नहीं जरूरत है उस बिजली की, उसी बिजली से सब कुछ करना है। हमको पंपिंग सेट दीजिए, हमको बोरिंग दीजिए। पहले आपने देखा होगा कि पहले बोरिंग हुआ करता था, सरकारी बोरिंग हुआ करता था, उसको एक बार बटन जाकर के उसके लिए आदमी नहीं उठता, बटन टिप देता था और 4 घंटा 5 घंटा चढ़ा दिया, उसके बाद पूरा नहर से पानी निकल कर गया, सबके खेत में चला गया पैन से। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब वो नहर भी नहीं है और ना उस तरह के सोच वाले लोग हैं। कृषि प्रधान देश होते हुए भी किसानों की स्थिति क्या है, खैर ये तो अलग एक चर्चा का विषय हो सकता है। आपने दरभंगा की बात की है, दरभंगा में निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण और मुस्लिम है, यादवों की भी उसमें एक अहम भूमिका होती है, यादव उतना नहीं है, एक अहम भूमिका होती है, जब मुस्लिम के साथ मिल जाते हैं तो MY समीकरण बन जाता है, लेकिन वहां मेन जो आप टसन है वो ब्राह्मण में और मुस्लिम में है। ब्राह्मण और मुस्लिम ही इस क्षेत्र से जीतते आए हैं अब तक का रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से गोपाल जी ठाकुर को सामने लाना और कई जगह का भ्रमण करके आए, इस बार RJD से अली अशरफ फातमी को रखा गया है, जो पिछली बार 2019 में टिकट नहीं मिला था तो कूद करके चले गए थे JDU में, JDU ने भी टिकट किया तो फिर आ गए RJD, फिर RJD में आ गए, RJD ने टिकट दे दिया, चलिए कोई बात नहीं है, मैंने बगल के क्षेत्र से दिया, हाँ दिन भर का भूला हुआ अगर सामने आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते हैं, वही हाल है। खैर आ गए यहाँ, अब दरभंगा की अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि चौथे चरण में अग्नि परीक्षा है तेजस्वी की, 2019 में शून्य पर वोल्ड हुए थे। ये जो पांचों सीटें हैं चौथे चरण की, ये पांचों सीटें NDA के पास है, NDA में इन सीटों में दरभंगा की सीट BJP के पास है, समस्तीपुर लोक जनशक्ति पार्टी के पास है, BJP के पास उजियारपुर है, BJP के पास बेगूसराय है और एक सीट मुंगेर की JDU के पास है, NDA के पास ये सभी सीट जो है NDA के पास है, और NDA में भी सभी घटक दल इसमें थोड़ा थोड़ा अपनी भूमिका में है, BJP 3 पर है, तो वहीं महागठबंधन से भी सभी दल की लगभग भूमिका है। इसमें देख लीजिए कि कांग्रेस इसमें लड़ रही है, लेफ्ट लड़ रहा है, RJD 3 सीट पे लड़ रहा है, यानी कि यहाँ पलड़ा बराबर बराबर है, बराबर है। अब इस पलड़ा को कैसे सेटल करेंगे, अग्नि परीक्षा हम इसलिए कह रहे हैं, जहाँ जहाँ यादव और मुसलमान की चर्चा होती है वहाँ अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार लालू प्रसाद को रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके MY समीकरण में से टूट होगी तभी जा करके दूसरे खेमे से लोग जीतेंगे। तो दरभंगा में जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें मुसलमान को समझाने में कितना सफल होते हैं ये एक अहम भूमिका है, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ और भी जो समीकरण है सवर्णों का, और भी जो समीकरण है अति पिछड़ों का, क्योंकि अति पिछड़े भी इसमें निर्णायक भूमिका में है, और गैर यादव पिछड़ों का, दलितों का, जिसका एक नेक्सस नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा ने बनाया है, इससे लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ मुकेश सहनी को भी खड़ा किया जा रहा है, खुद तेजस्वी यादव यहाँ पहुँच रहे हैं, वाम दलों को भी खड़ा किया जा रहा है, और लालू प्रसाद को भी कहा जा रहा है कि अंतिम अंतिम तक यहाँ पहुँचाया जाएगा, जबकि लालू प्रसाद बहुत कम जगह पर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, घर से बैठे बैठे एक आध दो को ट्वीट कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अग्नि परीक्षा है, और इस अग्नि परीक्षा में जो ये 5 सीटें हैं उसमें MY और लौकुश जोड़ करके लालू प्रसाद ने जो एक नया खेल खेलने की कोशिश की थी वो कितना सफल होता है। यहाँ बाबा एक और टोकेंगे जी, आपने मुकेश सहनी का नाम लिया जी, JDU के पास ऑलरेडी एक मदन सहनी है जी और मिनिस्टर है, और पिछले 2 बार की हरी सहनी भी वहीं से हैं, इसलिए मुकेश सहनी अगर दावा कर लें जो हम शिफ्ट करा देंगे RJD को मल्लाह के, क्योंकि वो दरभंगा का कुछ क्षेत्र है जहाँ पे मल्लाहों का जी वोट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ललित यादव भी लगातार 6, 7 या 8 बार से विधायक अपने क्षेत्र से रहे हैं जी, लेकिन ललित यादव एक पॉकेट तक ही सीमित हैं जी, पूरे दरभंगा का उन्होंने कभी भ्रमण नहीं किया या उस टाइप की कभी तैयारी नहीं की जी, तो इसीलिए अभी और आपको हमको लगता है इसकी जानकारी तेजस्वी और लालू प्रसाद को मिल चुकी है जो वहाँ उतना आसान नहीं है जी। तेजस्वी यादव वहाँ कैंप कर रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मुसलमानों का वोट लेकर के यादव को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है और उसमें सहनी वोट को जोड़ा जा रहा है, लौकु समीकरण जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको जीत का आंकड़ा माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अग्नि परीक्षा में अब 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिर होता क्या। क्योंकि दरभंगा के मुसलमानों का वोट लीजिएगा और टिकट दीजिएगा यादव को। जी निश्चित रूप से, अगर जब आपके यहाँ फातमी आ गए थे तो फातमी को दे देते, दे देना चाहिए था। मधुबनी में सिद्दीकी को लड़ा लेते, बिल्कुल। अगर आपको वहां से लड़ाना था तो सिद्दीकी लड़े भी। अरे सिद्दीकी तो रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया था उनको MLC बना करके। अरे MLC रहते थे भी लड़ लेते ऐसा। तो नेक्स्ट सीट समस्तीपुर का है। समस्तीपुर, हाँ जी, समस्तीपुर में भी कहें तो वो सीट मतलब लोजपा के पास था जी, अब वो फिर लोजपा के पास है जी। पहले प्रिंस राज थे, इस बार लोजपा ने अपना कैंडिडेट बदला है। सबसे कम उम्र के कैंडिडेट जो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, उनकी बेटी को दिया गया जी, है जी, जी। और बिहार सरकार के ही एक मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी। वो उनके पुत्र सनी हजारी आपको कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस किस टाइप से गोटी सेट करेगा? देखिए यहाँ का समीकरण आप इतने समझ लीजिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, हाँ। जदयू परिवार के ही दोनों बच्चे हैं, जदयू परिवार के दो मंत्री हैं जिनके बच्चे वहाँ से, एक बेटा एक बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो गया है, धर्म संकट हो गया है। और यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ अभी अग्नि परीक्षा एक बार फिर से उसी समीकरण की है, जो समीकरण मिल करके कहा जाता है यहाँ पासवानों का अच्छा खासा वोट है, वोट है। यहाँ से प्रिंस राज के पिता भी जीत करके आते थे, हारे भी वहाँ हैं। ये समीकरण बताता है यहाँ से महेश्वर हजारी भी जीते हैं जो सनी हजारी के पिता हैं। लेकिन ये सांभवी के लिए एकदम बिल्कुल फ्रेश जगह है। सांभवी का कहना यह है कि मैं पहली बार चुनाव में उतरी हूँ, सबसे कम उम्र की हूँ और मैं यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए आई हूँ। आप कहीं से भी अपने कार्यकाल शुरू कर सकते हैं या कहीं भी अपनी कर्मभूमि बना सकते हैं, तो मैं इस क्षेत्र को कर्मभूमि बनाना चाहती हूं और लोग से काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा समीकरण जुड़ रहा है। एक तो समीकरण कि वो आती हैं दलित समाज की बेटी हैं, उसके बाद बहू हैं वो सवर्ण समाज की, जिस भूरा बाल की चर्चा होती थी उसी में से आती हैं। तो ये अच्छा, खुद उनके ससुर, उनके ससुर समस्तीपुर के जी, बिल्कुल वहाँ खुद चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। कहा जाता है कि उनका पैतृक गांव भी उसी क्षेत्र में है। तो ये सारी परिस्थितियाँ मिला जुला करके कहीं ना कहीं यहाँ भी एक अग्नि परीक्षा की तरफ ठेल रही हैं MOI समीकरण। और MOI समीकरण पर शुरू से आपको बता रहे हैं कि इस बार जो पहले वाली स्थिति थी आँख मूंद के था वो नहीं है। और इसमें खास करके मायावती और ओवैसी, ये दो फैक्टर बहुत मजबूत बिहार में इस बार। अब ये दोनों फैक्टर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी अग्नि परीक्षा होगी। और लालू का प्लान, यही वो कारण है ना कि हम बार बार बता रहे हैं कि अमित शाह ने डिकोड कर लिया है, इसीलिए सारा समीकरण बैठाया गया है। तो समस्तीपुर की अगर बात करें तो समस्तीपुर में लड़ाई कड़ी है। सांभवी को फॉरवर्ड वोट भी मिल सकता है जी। देखिए महेश्वर हजारी का व्यक्तिगत जो उनका लोगों के साथ जुड़ाव है और जिस तरह से वो काम करते हैं, लोगों से बहुत सहृदयता से मिलते हैं, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर अशोक चौधरी और सांभवी या किशोर कुणाल ये समझ लें कि हम यहाँ से जीत रहे हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि प्रतिद्वंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और वहाँ से वो एक तरफ उनके पुत्र जो हैं वहाँ राजनीतिक रूप से काफ़ी वहाँ पैठ बनाए हुए हैं, वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, वहाँ से उनके पिताजी सांसद रह चुके हैं, बहुत सारे फैक्टर जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से मेहनत अशोक चौधरी को, सांभवी को और किशोर कुणाल को करनी पड़ेगी। लेकिन असल में यहाँ परीक्षा लालू प्रसाद की है, क्योंकि एट द एंड जैसे भारतीय जनता पार्टी की NDA में नरेंद्र मोदी की परीक्षा है इस चुनाव में 40 पार करने की, चुनाव कहीं लड़ रहा हो, कोई भी घटक दल लड़ रहा हो, लेकिन अंततः जिम्मेवारी बनती है उन्हीं की, कैप्टन वही हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन लालू प्रसाद हैं, उनकी भी परीक्षा है। और एक ही बाबा और देखना पड़ेगा, नीतीश यहाँ जाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश वहाँ जाते हैं, लोग कह रहे हैं जो उनके लिए धर्म संकट है, नीतीश जाएंगे ही नहीं। जी जी, हो सकता है। आपने देखा कि अभी राहुल गांधी नहीं गए पूर्णिया? हाँ नहीं गए। तीसरी सीट बाबा उजियारपुर जी। उजियारपुर में नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं।
उनके सामने आलोक मेहता जी, वो भी पुश्तैनी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जी, उनके पिता भी रहे हैं, उनके पिता भी रहे हैं, उनकी बहन भी चुनाव लड़ती हैं, और वो बिहार सरकार जो आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ 17 महीने में थे, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और ये भी है कि वो सांसद भी रहे हैं। हाँ, सांसद भी रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे बाबा एक चीज कहना हम कहेंगे, जो नित्यानंद राय भले मोदी लहर में और राम लहर में जीत गए हो, लेकिन जिस कारण से बीजेपी ने उसको आगे किया जी, उस चीज में वो सफल नहीं हो पाए, क्या इसका खामियाजा उनको इस बार भुगतना पड़ सकता है? देखिए, असल जो समीकरण लालू प्रसाद ने बनाया था वो उजियारपुर के लिए ही बना है। उजियारपुर में कुशवाहा वोटर इन्फ्लुएंस करते हैं, यादवों का वर्चस्व है, मुस्लिम की यहाँ बहुलता है, और यहाँ एक और फैक्टर है, सहनी फैक्टर, ये सब मिलकर के प्रभावित करता है। चूंकि मुजफ्फरपुर से सटा हुआ है, वैशाली से सटा हुआ है, दरभंगा से सटा हुआ है, तो ये सारे जगहों से सटे होने के कारण ये केंद्र बिंदु बन जाता है, और इन्हीं सब में से काट करके बना भी है वो क्षेत्र। अच्छा, तो 2008 में परसिमन में, 2009 में पहली बार चुनाव हुआ था, तीसरी बार चुनावी मैदान में नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो बात कही कि नित्यानंद राय वोटों को ट्रांसफर नहीं करा पाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा गच्चा है। अब इसी पर मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 5 से 6 यादव नेता, जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत में आपको याद होगा कि एक श्री कृष्ण परिषद, चेतना परिषद की क्या ऐसे बना था जिसमें मोहन यादव को लाया गया था मध्य प्रदेश से, और ला करके उनका स्वागत वत किया गया था कि यादव हमारे साथ हैं, यादवों को भारतीय जनता पार्टी करती है, हमने भी यादव को सीएम बनाया। इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। मेरी बातचीत एक बड़े यादव नेता से हो रही थी, वही उसके सूत्रधार भी बने, तो मैंने पूछा उनसे कि आप लंबे समय से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा से आप जीत करके भी आते हैं, क्या यादवों का वोट आप ट्रांसफर करा रहे हैं? बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहे हैं, बड़ी बेबाकी से उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं बाबा, उस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम इंटैक्ट है लालू प्रसाद के पास, लेकिन लालू प्रसाद के वोट बैंक में हमने सेंधमारी शुरू कर दी है। कास्केडिंग इफेक्ट की बात हमारे संपादक नमन मिश्रा जी करते हैं कि जैसे आप देखिए, बच्चा लोग खेलने जब जाता है, कहीं खेल रहा हो और ईंटा का भट्टा हो, तो करता क्या है कि ईंटा को ऐसे खड़ा कर देता है और लास्ट वाले ईंटा को एक हल्का सा गिरा देता है, तो सभी को गिरा कर चला जाता है। हाँ। वही उनका कहना था कि हमने सेंधमारी कर दी है, हमने वो पहला ईंट जो है वो हिला दिया है। अब बाकी के ईंट गिरते हुए हमारे पास तक फिर लौट करके आएंगे। यानी कि ये लोगों को था यादव समाज के, देखिएगा आप, मीटिंग भी हुई उसके बाद, मेरी बातचीत के बाद ये सारी प्रक्रियाएं हुई। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा बात हमसे बता दिया और आपने एक बहुत ही अच्छा रास्ता भी बताया, एग्जाम्पल भी दिया, हम उस वोट को कैसे अपने तरफ कर सकते हैं वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसकी शुरुआत नजर आई। अब नित्यानंद राय के जीतने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लालू प्रसाद अग्नि परीक्षा में फेल हो चुके हैं, दो बार फेल हो चुके हैं। अब यहाँ लालू प्रसाद के MOI और कुशवाहा के साथ साथ सहनी फैक्टर भी टेस्ट ट्रायल होने के लिए आ रहा है, उसकी भी कसौटी पर कसी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ होता क्या है, यहाँ भी अग्नि परीक्षा है और ये भी कहीं ना कहीं डिकोड करके रखा है अमित शाह ने। लेकिन बाबा, ये तो फैक्टर पिछले 2 चुनाव में भी था जी, और उसके बावजूद भी नित्यानंद राय जीते जी, ये MOI के साथ। लेकिन आप कह रहे हैं जो इस बार कुशवाहा और सहनी, ये हो सकता है वोट अगर लालू यादव को जुड़ जाता है तो इतना आसान नहीं होगा नित्यानंद राय के लिए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ परिस्थितियां बदली है ना। हाँ, परिस्थितियां बदली। 2014 में नरेंद्र मोदी को देखना था कि कैसे हैं नरेंद्र मोदी, क्या करते हैं गुजरात, अरे बाप, गुजरात तो विश्व का सबसे बेहतर शहर हो गया है, बेहतर देश हो गया है, उसको देश घोषित कर दीजिए, इतना ज्यादा विकास कर गया है। ये सारी बातें लोगों को जानना था, क्यूरियोसिटी थी पूरे देश के लोगों की कि आखिर गुजरात में ऐसा किए क्या, क्योंकि गुजरात में आप सुने होंगे बहुत बड़ा सुनामी आया था, उसको लेकर के गुजरात में बहुत सारा चीज बर्बाद हो गया था, जिसको सारी चीज़ों को एक जगह पर ला करके गुजरात को खुशहाल गुजरात बनाने में रास्ते पे नरेंद्र मोदी की एक भूमिका रही, बहुत लोगों की भूमिका रही, लेकिन चूंकि लीड नरेंद्र मोदी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का ही नाम आएगा, तो वही लोगों को लग रहा था कि ये देश भी जो सुनामी से गुजर रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार है, फलाना है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
ये सब है, वो सब है, सारे चीजों को जोड़ करके लगा था कि रातों रात करेंगे क्या कि आएंगे बटन दबाएंगे सब ठीक हो जाएगा, विश्वकर्मा की तरह बना देंगे। अब ऐसी स्थिति में 2014 में लोगों ने आंख मूंद करके वोट किया, वो वोट था हर हर मोदी घर घर मोदी का। दूसरा जो 2019 वाला हुआ राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ। और तीसरे में विकल्प नहीं है, मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी पर कितना लोग भरोसा करते हैं ये उस जातीय समीकरण से तोड़ना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि जातीय समीकरण पर आप लोग एक अलग से कीजिए, जिसमें आप और रत्नेश कीजिए कि जिससे कि लगे कि जातीय समीकरण कितना ज़्यादा प्रभावित करता है इस बिहार की राजनीति को, क्योंकि सब कुछ अलग कर दीजिएगा लेकिन जाति को अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा सीट है? बेगूसराय। बेगूसराय, बेगूसराय की बात जैसे हम करते हैं ना तो हमको 2019 याद आने लगता है। 2019 में दो भूमिहारों की लड़ाई में एक मुस्लिम डाल करके, और ये लालू प्रसाद का डर था, तनवीर हसन थे। ये लालू प्रसाद का डर था कि कहीं कन्हैया कुमार जीत करके नेता ना बन जाए। और आप जानते हैं कि न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेलवे भंडोल कर देंगे। वही काम किया। इस बार भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने ओपन मंच से कहा था, जिसका उन्होंने सफाई भी दिया कि हम ये नहीं वो ऐसे कहना चाह रहे थे, उन्होंने पूर्णिया में कहा कि लड़ाई तो दो ही को हमको नहीं दिया उनको दे दीजिए। हाँ। यानी कि ये सीधे तौर पे लग रहा है कि लालू प्रसाद को एक डर भी है और उनको लगता है कि हमारा यादव वोट बैंक जो है वो हमसे खिसक जाएगा, जिसकी चर्चा हम इससे पहले कर रहे थे। और उस वोट बैंक में वो पहला ईंट गिर गया है, दूसरी ईंट गिराने के लिए लालू यादव को लगता है जो जब तक मेरी आँख खुली हुई है तब तक यादव के रूप में हम ही नेता के रूप में रहे, बिल्कुल दूसरा ना कोई आगे बढ़े, नहीं आए और विरासत भी दे दे बेटा को। हाँ, वो पप्पू टाइप के लोगों को आगे नहीं देखना चाहते। हाँ, यादव के रूप में बिल्कुल वैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप चिराग पासवान की बात कर रही है, चिराग पासवान को गाली देने की क्या जरूरत थी? चार दिन पहले तक आप कह रहे थे, जब उनको 5 सीट नहीं मिला था महागठबंधन से, तो आप कह रहे थे कि आ जाइए ना भाई। मार प्रचार चल रहा था, मार एकदम मीडिया में छाया हुआ था, मीडिया को मैनेज किया गया था कि यार कहो ना कि आ रहे हैं चिराग पासवान। आए नहीं चिराग पासवान, तो आप अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो गई। बेगूसराय में जो चुनाव हुआ 2019 में, गिरिराज सिंह बड़े कदावर नेता हैं, इस बार भी गिरिराज सिंह कदावर हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो गिरिराज सिंह से नाराज लोगों के हैं, ऐसी वीडियो बहुत कम नजर आती है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि इसका फायदा होने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी एग्रेसिव वोटर जहां होते हैं, जैसे जहां आप नवादा की बात कर लीजिए, वहाँ भूमिहार वोटर निर्णायक है, जैसे यादव का नाम लीजिएगा ना तो भूमिहार वोटर जो घर में बैठा हुआ होगा, जो खटिया पर अंतिम सांस ले रहा होगा, वो कहेगा कि हम बटन दबाएंगे। तो ये एक अलग तरह की प्रक्रिया है और बेगूसराय में भी लगभग यही है। हालांकि कहा जाता है कि ये जो है मैंने लेफ्ट की धरती रही है। हाँ। यहाँ से लेफ्ट के एक से एक नेता जीतते आ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह पिछले चुनाव से यहाँ अपना खूंटा गाड़ दिए हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा क्या होता है, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जरूर है। और इस फॉर्मूला को तो आज से 5 साल पहले डिकोड कर लिया था। एक चीज, पिछले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा बिहार में, और लेफ्ट के काफी सारे विधायक सीपीआई सीपीएम के जीत के आए आरा से, कहीं कहीं और से। अब विधानसभा की बात कर रहे हैं 2020 की। हाँ, 20 की हम बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट को हमको लगता है जो सपोर्ट आरजेडी के वोटरों का मिल रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय। देखिए 2020 का चुनाव एक चुनाव था जिसमें तेजस्वी यादव के जो 5 साल की मेहनत थी, 2015 में वो आए, 2017 में उनसे नीतीश कुमार अलग हुए और 2017 के बाद जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अपनाई, और इसके बाद यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि वो नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते थे। नीतीश कुमार गुस्से में बहुत सारी बातें करते थे, तुम बैठो ना जी, तुम्हारा बाप के हम दोस्त हैं, ये हैं, ये सब कह करके किस तरह डाइल्यूट करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव का स्पार्क जो देख करके हम लोगों को भी लगता था कि तेजस्वी यादव जिस स्पार्क में चल रहे हैं, हम लोग तो ये कहते थे जो नीतीश ने इसको नेता बना दिया। बिल्कुल ये बात आज भी पहचान नहीं थी तेजस्वी की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लालू प्रसाद का पुत्र होने के अलावा उनके पास कोई पहचान नहीं था, जो कि शिवानंद तिवारी ने कहा भी था कि आपको सड़क पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा, लाठी खाना होगा, जेल जाना होगा, जेल भ्रष्टाचार में नहीं, राजनीति में जेल जाना होगा, आंदोलन से जेल जाना होगा। तो आंदोलन से जेल जाइए तो आप नेता हो जाइएगा, ये सब कुछ हुआ। आपने देखा कि रोड पर आंदोलन हुआ, विधानसभा में लाठी भी चला, कई विधायक पिटाए भी, सब कुछ हुआ। और सब कुछ होने के बाद
कहीं ना कहीं नेता के रूप में स्थापित हो गए, और उसका उनका उनको परिणाम 2020 में लोगों ने को लगा कि नहीं ये अगर बन जाते हैं तो कुछ बदलेंगे। 10 लाख नौकरी का भी वादा उन्होंने किया था, पहला साइन से। हालांकि ये बातें बार बार कोई कुछ भी कह ले, लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल बदला जरूर था महागठबंधन का। जो महागठबंधन की सरकार थी उस सरकार में नीतीश कुमार ने नौकरियां दी, नीतीश कुमार ने मंच पे कहा कि ये 10 लाख बोले थे हम 20 लाख कर रहे हैं, तो ये सारी बातें थी। अब भले ही चुनावी रणनीति के तहत या अलग अलग हो गए हैं तो जो भी कहें, लेकिन एक बात तो तय है कि बेगूसराय में लालू प्रसाद ने हरवाया था कन्हैया कुमार को, इसमें तनवीर को खड़ा करके, और सेकेंड नंबर पर तनवीर वहाँ वोटिंग जो काटे थे उसी वोट से जीत हार का आंकड़ा तय हुआ था। तो इस बार तो वहाँ पे सीधी लड़ाई है। हाँ, इस बार लड़ाई वहाँ सीधी है, और इस लड़ाई में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ भी मुस्लिम वोटर टर्नआउट होता है कि नहीं होता है, ये सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बेगूसराय में भूमिहार वोटर भी जो है जी अच्छी खासी बहुत अच्छी खासी संख्या है, और गिरिराज सिंह उसी जाति से आते हैं जी, और ननिहाल है, कहते हैं कि मेरा ननिहाल है। अब कहते हो वो अलग बात है, लेकिन वो उनके लिए तो वो एक चीज पक्का है कि भूमिहार वोट पर उनका दबदबा रहेगा। आप समझिए ना कि इस चुनाव में जो पिछले बार 2019 में हुआ था, लाख प्रयास करने के बाद भी कहाँ मुस्लिम और यादव का एक अच्छा खासा गठजोड़ है। अगर दोनों साथ मिल जाए तो भूमिहारों से ज़्यादा उनका वोट बैंक है, लेकिन फिर भी जीत करके 3 लाख से ऊपर वोटों से आए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तरफा हुआ। 3 लाख से नहीं जीतेंगे, 1 लाख से जीतेंगे। बाबा सबसे इम्पोर्टेंट सीट है मुंगेर जी। मुंगेर वैसा सीट है जहाँ से ललन सिंह पिछली बार भी जीते, इस बार भी खड़ा है जी, और मुंगेर में एक नया समीकरण फिर लालू यादव ने बैठा दिया। अशोक महतो की पत्नी 22 साल जेल में रह के वो छूटे, और अशोक महतो को उन्होंने कहा जो अब जाके 24 घंटा में शादी करके आ जा तब तोहर पत्नी के टिकट ले जा। आपको याद होगा कविता सिंह का भी यही हुआ जी, जी बिल्कुल। वो तो पितृपक्ष में शादी हुआ, पितृपक्ष में तो खरवासे में हुआ, खरवासे में हुआ है। खैर, राजनीति के लिए कोई खरवास और कोई पितृपक्ष नहीं होता है, टिकट महत्वपूर्ण होता है, वो टिकट तो उनको मिल ही गया। लेकिन मुंगेर ने दो बातें की है, पहला तो ये जो आपने कहा शादी कराने वाली बात, और दूसरा ललन सिंह का त्याग पत्र अध्यक्ष पद से। उन्होंने कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्षेत्र की जनता से मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए हम क्षेत्र में जाने के लिए ये पद छोड़ रहे हैं। अब यहाँ की लड़ाई भी बदल गई है। इसकी लड़ाई में आपको याद होगा कि 2019 में इस लड़ाई में नीलम देवी, भूमिहार वर्सेस भूमिहार हुआ था, नीलम देवी यहाँ चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर और हार गई थी, ललन सिंह की जीत हुई थी। लेकिन 2014 में रिजल्ट उल्टा हुआ था, वहाँ भी एक भूमिहार महिला खड़ी थी, सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी, वो चुनाव जीत गई थी। 2009 में ललन सिंह जीते थे। ये प्रक्रिया जो है उलट पुलट चलता रहा है। अब इस बार क्या होता है ये परिणाम देखने वाला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक महतो के आने के बाद, अशोक महतो ने कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ बताई हैं जिन कहानियों को लेकर के लोगों के दिमाग में है, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जब अनंत सिंह को जेल से बाहर आने का इजाज़त दिया, हस्ताक्षर कर दिया, आ गए हैं बाहर, तो निश्चित रूप से वहाँ कोई नया खेल होने की संभावना है। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि जब जदयू में आ गए थे, जदयू और आरजेडी का दोस्ताना हो गया था, तो कई लोगों की कुर्बानी हो गई थी अनंत सिंह के खेमे से, लेकिन नीलम देवी कई कार्यक्रम में नजर आई थी ललन सिंह के साथ। इसको लेकर के भी कहा जा रहा था कि अनंत सिंह की नाराजगी है, लेकिन अब अनंत सिंह जब बाहर आ गए हैं तो निश्चित रूप से कुछ वोटों का ध्रुवीकरण होगा। यहाँ पर निर्णायक में धानुक वोटर भी हैं, वो क्या करते हैं ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा, और इसी प्रश्न को लेकर के मुस्लिम और यादव, यहाँ भी अग्नि परीक्षा निश्चित रूप से लालू प्रसाद की होनी है, और यहाँ का पूरा समीकरण जो है अब देखना ये होगा कि अमित शाह ने डिकोड किया है कि नहीं किया। लेकिन बाबा एक चीज तो है जो आपने बताया, वीना देवी, ललन सिंह, फिर ललन सिंह, तो एक तरह से तो कहें जो धानुक हो या मुस्लिम हो या यादव हो जी, जीत के तो आ रहे हैं सवर्ण जी, तो इस चीज को भी हम लोग नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल, चाहे उनके सामने कोई क्यों ना खड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए अग्नि परीक्षा है, यहाँ भी अग्नि परीक्षा है, और कहीं ना कहीं इशारा डिकोड करने के बाद ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बैठ करके एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें लिखा है नीतीश कुमार 16।
और अनीता महतो जो है जी, जो अशोक महतो की जो हाल की पत्नी है, अशोक महतो क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ों का नेता के रूप में, जो अगरों के द्वारा पिछड़ों पर दमन होता था। देखिए उनका उनका अतीत जो है ना, अब वो जो चाहे जितना भी कह लें, लेकिन उनका अतीत जो है ना बहुत भयंकर है, बहुत भयानक अतीत है। ठीक है, अपने समाज के लोगों को अपना अपनी बात कहेंगे जो हमने तुम्हारे लिए नहीं, अपना बेटा अगर बदमाश भी है तो अपना है, अपना है, यही बात है। तो हम लोग अभी चौथे चरण के 5 सीटों के बारे में चर्चा कर रहे थे, मुद्दे की बात में बाबा से समझ रहे थे जो आखिर अमित शाह ने कैसे MY या लवकुश या कहें लालू के समीकरण को डिकोड करके अपना मतलब अपने आप को फील्ड में ला दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है। अब उस डिकोड के आधार पर उनके कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिए हैं। देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।